नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबिन। यूएस कोस्ट गार्ड को सोलोमन द्वीप में ईंधन भरने से रोका गया। मई में चीन के साथ सिक्योरिटी पैक साइन करने के बाद से सोलोमन द्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। यूएस सीजीसी ओलिवर हेनरी एक रीजनल फिशरीज एजेंसी के लिए दक्षिण प्रशांत में अवैध मछली पकड़ने के लिए गश्त पर था, जब यह सोलोमन की राजधानी होनियारा में ईंधन भरने के लिए पहुंचा तो इसे प्रवेश प्राप्त करने से रोक दिया गया। अमेरिकी पोर्ट को फिर पापुआ न्यू गिनी की ओर मोड़ दिया गया। सोलोमन की सरकार और बीजिंग ने सोलोमन द्वीपों पर चीनी सैन्य अड्डे होने से इनकार किया है। हालांकि एक लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सिक्योरिटी पैक चीनी नौसेना को डॉक और फिर से फ्यूल भरने की अनुमति देगा। पैसिफिक आइलैंड फोरम के लिए फिशरीज एजेंसी 17 पैसिफिक नेशंस का एक ब्लॉक है। होनियारा में एक समुद्री निगरानी सेंटर है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और फ्रांस की सहायता से अवैध मछली पकड़ने के लिए वार्षिक निगरानी अभियान चलाया जाता है। द यूएस सीजीसी ओलिवर हेनरी एक शेड्यूल रूटीन लॉजिस्टिक के लिए सोलोमन आइलैंड पर गया था। सोलोमन द्वीप की सरकार ने जहाज को ईंधन भरने और होनियारा में क्लियरेंस के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए अमेरिकी सरकार के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। सोलोमन द्वीप साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित एक आर्किपेलेजिक स्टेट है जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। इसका यह लगभग 1000 द्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें 9 मुख्य द्वीप समूह शामिल हैं और इसकी राजधानी होनियारा सबसे बड़े द्वीप ग्वाडाकैनाल पर स्थित है।